हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहीं बल्कि दो दो रेसिपी जो न सिर्फ खाने में मज़ेदार है बल्कि काफ़ी हेल्दी भी है, बिल्कुल कम तेल मसाले के साथ बनने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे कच्चे केले की सब्जी, वो भी मछली के स्टाइल में, और दूसरी बनाएंगे इसकी चटनी। तो सबसे पहले इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम कच्चा केला। सबसे पहले केले के दोनों साइड को रिमूव कर लेंगे और इसके छिलके इस तरह से निकाल लें। वेट लॉस से लेकर डायबिटीज तक में फायदेमंद होता है कच्चे केले का सेवन, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6 और ये विटामिन के से भरपूर होता है। इसके सेवन से बॉडी को कई एंजाइमेटिक प्रोसेस में मदद मिलती है, जिससे मेटाबॉलिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है। ऐसे में पेट फूलने की परेशानी से भी राहत मिलती है और खाना जल्दी पचता है, और इसमें पोटेशियम की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलता है। तो जब कच्चे केले इतने फायदेमंद हैं, तो क्यों ना इसे डेली यूज में लाया जाए। और इन छिलकों को फेंकेंगे नहीं, इसे अभी रखेंगे, इसे दूसरे रेसिपी में यूज करेंगे। और इसे इस तरह से राउंड शेप में कट कर ले। काटने के बाद इसे एक बार वॉश कर ले और इसमें हल्दी और नमक डाल करके इसे मिक्स कर ले। इसके दो फायदे होते हैं, जब इसे फ्राई करेंगे तो इसके कलर काफ़ी अच्छे आएंगे और केले काले नहीं पड़ेंगे। तो वॉश करने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जितना ही नमक, और इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर ले। और इसके साथ ही हमें चाहिए एक बड़े साइज़ की प्याज, दो मीडियम साइज़ के टमाटर, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 से 3 हरी मिर्ची। सभी को रफली चॉप करके मिक्सी जार में डाल करके इसके पेस्ट बना लें। और इसके साथ ही हमें चाहिए कुछ फ्रेश धनिया के लीव्स। इसके साथ ही हमें एक दूसरा जार लेना है और उसमें डालना है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर करके पीली सरसों के पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, आप किसी भी सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ले। मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें और एक बार इसे मिक्सी चला लें। इससे क्या हो जाता है कि ये पाउडर में पीसे हुए मसाले का टेस्ट आता है, और इसे साइड रख दें। अब एक पैन को गर्म करेंगे और जैसे पैन हमारा गर्म हो जाता है इसमें डालेंगे सरसों के तेल। बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं जाता है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच तेल डाला है, और इसे इस तरह से फैला लें और ऑयल को गरम होने दें। जब ऑयल गरम हो जाए तब इसमें डालेंगे ये केले के पीसेज, और इसे इस तरह से फैला लें और दोनों साइड फ्राई कर लें, और बीच बीच में इसे कवर कर दें जिससे ये पक जाए। बहुत जल्दी पक जाती है, 5 से 10 मिनट में ये कुक हो जाता है। तो जैसे इसमें कलर आ जाए इसे दूसरे साइड पलट लें और उसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए ऑयल में डालेंगे लाल मिर्च तोड़ के डाल लें, 1 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून पंचफोरन, और जब ये अच्छे से चटक जाए तब इसमें डालेंगे प्याज वाले पेस्ट। और इन मसालों को 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे, या फिर जब तक इससे ऑयल रिलीज ना हो जाए। जैसे प्याज वाला मसाला भून जाता है तब इसमें डालेंगे सरसों वाले पेस्ट जो हमने पहले पाउडर को पीस के रखा था, और इसे हल्का सा मिक्स कर ले। और मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालेंगे। पानी लगभग मैंने यहाँ पे 1 गिलास के तकरीबन डाला है, या फिर आपको यहाँ पे जितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखनी है उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी डालें। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें बॉयल आने दें। जब इसमें बॉयल आ जाए तो फ्राई किए हुए केले के पीसेस डाल देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए और कुक करें। इसे कवर कर दें जिससे मसाला अच्छे से केले के अंदर चला जाए।
पानी में डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, 5 से 7 मिनट में ही ये पक जाता है, क्योंकि केला जो है पहले से ही फ्राई किए हुए हैं, तो सिर्फ इसमें मसाला अंदर जाना है। और जब इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ जाए तो इसके ऊपर डालेंगे कटे हुए धनिया के पत्ते और अब इसे सर्व करते हैं। इसे चावल रोटी किसी के साथ भी खाए बहुत ही मज़ेदार की लगती है और सबसे खास बात ये काफ़ी हेल्दी है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मैंने इसे सर्व कर दिया है और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऊपर से थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते और डाल दें। तो अब बनने वाली है कच्चे केले की चटनी, जो बनने वाली है कच्चे केले की छिलके से। जी हाँ, जो अभी मैंने कच्चे केले कट किए थे उसके जो छिलके मैंने बचा के रखे थे उसी की चटनी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको रफली चॉप कर लेते हैं। और रफली चॉप करने के बाद इसे एक पतीले में डालेंगे, साथ ही डालेंगे 1 ग्लास के तकरीबन पानी, जिससे पानी का लेवल थोड़ा ऊपर हो, जिससे ये अच्छे से बॉईल होकर के पक सके। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी के पाउडर और इसे तब तक बॉईल करें जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर ले और इसे ठंडा होने दे। अब इन छिलकों को निकाल करके मिक्सी के जार में डालेंगे और इस पानी को फेंक देंगे, इस पानी को यूज नहीं करना है। और अब इसे मिक्सी जार में डाल करके अच्छे से पीस लेंगे, इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा फ्रेश पानी डाल लें और इस तरह से इसका स्मूथ पेस्ट बना लें और इसे एक बाउल में निकाल लें। अब इसमें जाएगा 2 हरी मिर्ची, 5 से 6 लहसुन की कलियां और तकरीबन 1 इंच के अदरक के टुकड़े। हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट लें। लहसुन को भी बारीक बारीक काट लें। अदरक को ग्रेट कर लें। इसके साथ ही हमें चाहिए कुछ फ्रेश धनिया के पत्ते और इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लें। और नींबू के रस निकाल लें, इसमें हमें तकरीबन 2 टेबल स्पून नींबू का रस चाहिए होता है। और अब इस चटनी में डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसके साथ ही डालेंगे ग्रेट किए हुए अदरक, बारीक कटे हुए लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया के पत्ते। और इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच भर करके नींबू का रस और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और अब इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन लेंगे और उसे गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून सरसों के तेल। तेल जब गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून काली वाली सरसों और जब ये अच्छे से चटक जाए तो इसे चटनी के ऊपर फैला लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आप एक बार इसे ट्राई करेंगे ना तो कभी कच्चे केले के छिलके को नहीं फेंकेंगे। और ये टेस्टी तो है ही और साथ में ये काफ़ी हेल्दी भी है। आई होप कि ये दोनों रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, रेसिपी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।